पुलिस को गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुजू पुलिस ने 10 चक्का ट्रक पकड़ा है जिस पर 23 बोरे में लगभग 7 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। मामले में 2 हिरासत में लिए गए हैं जिन्हें कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मांडू थाना क्षेत्र के एनएच 33 स्थित हेसागढ़ा के समीप अभियान चलाकर पुलिस ने 10 चक्का ट्रक JH05BB5250 को रोककर छानबीन किया। ट्रक पर 23 बोरे में लगभग 7 क्विंटल गांजा पाया गया। पुलिस ने ट्रक के चालक और खलासी को हिरासत में लेते हुए ट्रक को जब्त कर लिया है। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि ट्रक जमशेदपुर से बरही जा रहा था। बरामद गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ के ऊपर बताई जाती है। गांजा 2 किलोग्राम के पैकेट में पैक था। पकड़े गए आरोपियों में ट्रक चालक शंकर रामाश्वरी 28 वर्ष गांव मकठै थाना सांपाकाटा जिला कोकराझार आसाम निवासी और खलासी रंटू नमाता 30 वर्ष गांव मिश्रीपाड़ा थाना चाकुलिया जिला जमशेदपुर निवासी को पकड़ा गया है। एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। जब्त पदार्थ को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास करेगी। सोना न्यूज रामगढ़ से अभिषेक मिश्रा की। रामगढ़ पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जमशेदपुर में से एक 10 चक्के एक ट्रक में एक ट्रेलर टाइप की गाड़ी में कुछ सामान आ रहा है जो गांजा हो सकता है। वो संदिग्ध सामान है और काफ़ी भारी मात्रा में आ रहा है। जमशेदपुर से आ रहा है और आगे हो सकता है रामगढ़ से क्रॉस करके हजारीबाग की तरफ जा रहा हो। तो उसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु डीपीओ रामगढ़ के नेतृत्व में टीम बनाई गई जिसने तुरंत छापामारी करते हुए रेड करते हुए उस ट्रक को NH-30 में हेसागढ़ा के पास उस ट्रक को कैच किया और उसमें उस सामान को जब्त किया। साथ में उसमें 2 आदमी, एक चालक और एक खलासी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उसमें कुल लगभग 23 बोरों में हमें गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ है जिसका कुल वजन लगभग 700 किलो होगा। इसकी फॉरेंसिक जांच वगैरह सब कराई जाएगी, प्रोसेस हम लोग पूरा फॉलो करेंगे और यदि ये गांजा निकलता है तो इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की संभावना है। बाद में बरही के आसपास कहीं ले जा रहा था। बाकी चीज़ें फर्दर इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी। कहाँ से आ रहा था? जमशेदपुर से। सर कितने लोग हैं इसमें, क्या है सर? इसमें अभी 2 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। तो हम लोग इसमें पूरी चेन जो है उसका पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा था, इसका ओनर कौन है, सप्लायर कौन है, ये डिलीवरी कहाँ होने वाली थी। बाकी चीज़ों को भी हम इन्वेस्टिगेशन में लाएंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।